गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनिता दत्ता फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग ऑफ बी फिफ्थ कंप्यूटर साइंस ब्रांच। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इंटरैक्टिव सी शेल प्रोग्रामिंग के बारे में, जिससे हमने लास्ट क्लास में उसके स्पेशल फीचर्स और उसकी लूपिंग और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था और हमने डिस्कस किया था वैलिडेशन टॉपिक के ऊपर। आज हम देखेंगे कि डिबगिंग स्क्रिप्ट क्या होता है और हम डिबगिंग स्क्रिप्ट को कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं तो हम उसे टेस्ट करते हैं। जैसे आप सी में जब प्रोग्राम राइट करते थे तो हम उसे कंपाइल करते थे। कंपाइल करने से क्या होता था कि उसमें यदि कोई एरर रहता था तो वो हमें शो हो जाता था। ठीक है, अब यदि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी एक लंबे उसमें बन रहा हो, जैसे किसी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बन रही हो जिससे कि हमें टेस्टिंग करना जरूरी हो, तो वो टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं वहां पे, उस टेस्टिंग के लिए हम वहाँ पे मल्टीपल टेस्ट वहाँ पे हमें करना नेसेसरी हो जाता है, जिससे कि उसमें हम जितने भी टाइप्स के टेस्ट है वो सारे टेस्ट हम उसमें करके देख सकते हैं कि हमारा जो वो वर्क कर रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ऐसे टाइप की टेस्टिंग होती है जिससे कि हम उसमें करके ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारा जब हम टेस्ट करते हैं टेस्टिंग सही होता है बट कंपाइल टाइम में हमें कुछ एरर आ जाता है। ठीक है, तो उस चीज से हमें ओवरकम करने के लिए हम उसमें मल्टीपल टाइप के टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आ रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने जो रिजल्ट सोचा था कि इसे मैं यदि रन किया तो ये रिजल्ट आना चाहिए, बट यदि वहां पे वो रिजल्ट नहीं आता तो उस केस में हम फिर क्या करते हैं, डिबग करते हैं स्क्रिप्ट को। ठीक है, स्क्रिप्ट को हम डिबग करते हैं। यहाँ पे सी सेल ऑप्शंस में हमारे पास दो टाइप के डिबग करने के दो टाइप के ऑप्शन है। एक हमारे पास वर्बरोश का ऑप्शन है और एक हमारे पास एग्जीक्यूट ट्रेस का ऑप्शन है। ठीक है, एक वर्बरोश का ऑप्शन हो जा रहा है और एग्जीक्यूट ट्रेस का ऑप्शन हो जा रहा है, तो ये दो टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारी वर्बरोश ऑप्शन जो रहता है इसमें हमारा क्या होता है कि जो ईच स्टेटमेंट है वो सिंटेक्स के हम फॉर्म में उसे देखते हैं, हर एक एक उसका हम सिंटेक्स देखते हैं। यदि सिंटेक्स करेक्ट है तो ठीक, और यदि सिंटेक्स करेक्ट नहीं है तो वो हमें एरर मैसेज शो करता है। ठीक है, स्क्रिप्ट जो है वो आउटपुट, यदि उसमें कोई आउटपुट है, जैसे कि उसमें हमने वर्बरोश करके उसे डिबग किया, डिबग करने के बाद यदि पूरा स्क्रिप्ट सही है तो उसमें जो भी आउटपुट होगा वो हमें आउटपुट शो कर देगा, और यदि आउटपुट नहीं शो कर रहा है, कुछ एरर है, तो वो चीज हम एरर के फॉर्म पे वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा था वर्बरोश का ऑप्शन। अब जब हम ट्रेस ऑप्शन की बात करते हैं तो ट्रेस ऑप्शन में क्या होता है कि जितने भी हमारे कमांड्स है वो एक प्लस साइन से प्रीसीड करते हैं। ठीक है, बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड इट इज ऑल्सो रिप्लेसेस द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल एक्सेस इन द स्टेटमेंट। ठीक है, ईच वेरिएबल जो एक्सेस हो रहे हैं स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट यहाँ पे हम उसे रिप्लेस भी हो सकती है उसकी वैल्यू। जैसे कि हम देखिए क्या कर रहे हैं, सेट वाई, वाई को हम क्या सेट कर रहे हैं, डॉलर एक्स है। ठीक है, तो जो डॉलर एक्स है वो रिप्लेस कर देगा उसका एक्चुअल जो भी वेरिएबल रहेगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, वाई में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए एक्स 13 है तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, एक्स 13 डिस्प्ले करेगा आपको। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा है वाई इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस टू, एक्स की वैल्यू हमने 5 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस टू 7 हो गया। अब यदि वाई 10 के इक्वल टू है तो वाई कंटेन 10, और यदि वाई 10 के इक्वल नहीं है तो वाई डज नॉट कंटेन 10, ये आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे, ये प्रोग्राम है जिसमें कि फिर आपका प्रोग्राम रन करने के बाद फिर आप इसमें अपना आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा उसमें आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास सी शैल स्क्रिप्ट में हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि हमने डेट सेट किया हुआ है, मान लीजिए यदि 12 बजे से सुबेरे के 12 के पहले की जो भी टाइमिंग रहेगी उसमें वो गुड मॉर्निंग विश करेगा, ठीक है। 12 to 16 बोलने का मतलब यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो 12 से लेके 4 बजे तक वो हमें गुड आफ्टरनून डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब 4 बजे से 6 बजे तक के, हाँ 4 बजे से 6 बजे तक के हमें वो गुड इवनिंग विश करेगा यदि टाइमिंग 4 से 6 के बीच में है, और ये तीनों ही टाइमिंग यदि नहीं है तो वो हमें गुड नाइट विश करेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें कि हमने क्या किया, टाइम सेट कर दिया कि यदि 12 बजे से पहले है तो वो हमें गुड मॉर्निंग विश करे, 12 से यदि 4 के बीच का टाइमिंग है, 4 के बीच का टाइमिंग है तो वो हमें गुड आफ्टरनून विश करे, 4 से 6 बजे तक का यदि टाइम है तो वो हमें गुड इवनिंग विश करे, और यदि शाम के 6 बजे से ज्यादा हो गया है टाइम तो वो फिर हमें गुड नाइट विश करे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। आईनोड क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, उस चीज के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आईनोड जो है, आईनोड एक डिस्क के फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कर्नल जो है उसको रीड करता है आईनोड को और उसे मैनिपुलेट करता है, ठीक है। और जो वो डिस्क रहता है, वो डिस्क में कौन कौन से फील्ड कंसिस्ट रहते हैं, तो उसमें एक फाइल ओनर आइडेंटिफायर, फाइल टाइप, फाइल एक्सेस परमिशन, फाइल एक्सेस टाइम, नंबर ऑफ लिंक्स टू द फाइल, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फाइल साइज, ये सारी चीजें वहां आईनोड के डिस्क में ये सारी फील्ड्स रहती है, ठीक है। फाइल ओनर आइडेंटिफायर बोलने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फाइल ओनर है, मींस जैसे कि वो आईनोड का जो भी फाइल है उसका एक मेन ओनर कौन है, जैसे कि एक मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा उसका कोई पर्टिकुलर ओनर होगा, तो वो ओनर कौन है वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वो चीज हम यहाँ पे इसमें वो रहता है कि ओनर जो है वो एक ओनर को अलग ग्रुप करता है, और जो बाकी रहेंगे, जैसे मान लीजिए एक अपने पास एक लैपटॉप है एक घर में, तो यदि उस घर में 4 मेंबर्स है तो वो चारों मेंबर्स उस लैपटॉप के ओनर आएंगे, तो वो एक ओनर का ग्रुप बना देगा, और अदर देन वो 4 पर्सन जो भी उस फाइल को या उस लैपटॉप को एक्सेस करना चाहेगा वो उसे एक अलग ग्रुप में रखेगा। तो किस किस को उस लैपटॉप को एक्सेस करने का राइट है, इस सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप बना के रखने का काम कौन करता है, फाइल ओनर आइडेंटिफायर। मान लीजिए वो चार ही उस लैपटॉप को चला सकते हैं, कोई अदर पर्सन आए तो वो लैपटॉप यूज ना कर पाए, तो ये कब डिसाइड होगा, जब लैपटॉप जो है अपना खुद ओनर आइडेंटिफाई करके रखेगा, ठीक है। देन फाइल टाइप, फाइल टाइप बोलने का मतलब उसमें जो फाइल्स है वो कौन से टाइप्स की फाइल है, रेगुलर फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है, कैरेक्टर या ब्लॉक फाइल्स है, तो ये सारी जो है वो हमारे फाइल टाइप में डिस्कस रहेगा, ठीक है। देन हमारा आता है नेक्स्ट फाइल एक्सेस परमिशन, ठीक है। फाइल एक्सेस परमिशन बोलने का मतलब कि जैसे हमारे पास कोई फाइल है, उस फाइल में कौन कौन से परमिशन है एक्सेस करने के, जैसे कि मान लीजिए कोई ओनर है तो ओनर जो है उसमें पर्टिकुलर रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट कर सकता है, बट यदि वहां पे ओनर की जगह कोई गेस्ट हो तो गेस्ट क्या कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है, वो राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मीन्स जितने भी परमिशन है वो फाइल को एक्सेस करने के लिए कौन से टाइम पे फाइल एक्सेस करना है, मींस माने एक परमिशन बोलने का मतलब कि उस लैपटॉप में जो भी यूज करेगा, जैसे गेस्ट हो गया या ओनर हो गए, ठीक है, जो सबके लिए एक परमिशन सेट होता है कि कौन उस फाइल्स में क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है और उनको उस फाइल में कौन कौन से परमिशन है एक्सेस करने के लिए। देन आता है फाइल एक्सेस टाइम,
फाइल एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने उसमें कुछ मॉडिफाई किया तो लास्ट हमने उसमें कब मॉडिफाई किया, उस फाइल को हमने लास्ट कब एडिट किया, कब एक्सेस किया, ये सारी चीजें जो है फाइल एक्सेस टाइम में आती है, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स टू दी फाइल, नंबर ऑफ लिंक्स टू दी फाइल बोलने का मतलब जितने भी टाइप के लिंक्स है फाइल में वो सारी जो है उसमें, जैसे कि एक फाइल से कौन कौन से लिंक्स या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ फाइल्स, तो ये सारी चीजें वहां पे रहती है। देन आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बुक रहता है, बुक में सामने में क्या रहता है, कंटेंट रहता है कि बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वैसे ही सेम आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, मानी ये जो हमारा आईनोड हम पढ़ रहे हैं इसमें एक हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहता है जिसमें उसके अंदर की सारी चीजें, उसमें कौन कौन से डेटा है, कहाँ कहाँ पे वो एड्रेस है, ये सारी चीजें हमारी क्या है यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। देन आता है फाइल साइज। फाइल साइज बोलने का मतलब क्या होता है, फाइल साइज बोलने का मतलब ये होता है कि फाइल साइज बोलने का मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी फाइल्स है वो फाइल्स कितनी कितनी साइज की है, ठीक है, कौन सी फाइल कितनी साइज की है, कौन सी बहुत ज्यादा साइज की, कौन बहुत कम साइज की, ये सारी चीजें जो है हम फाइल साइज से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आईनोड, ठीक है। आईनोड के स्टेटस कौन कौन से स्टेटस रहते हैं, आईनोड लॉक्ड है या आईनोड में जो प्रोसेस हो रहा है वो वेट हो रहा है, ये सारी यहाँ पे क्या है आईनोड के हमारे स्टेटस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम प्रोग्राम प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम जब प्रोग्राम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो यदि मान लीजिए एक प्रिंटर है, प्रिंटर में चार लोगों ने प्रिंट किया है, तो पहला वाला प्रिंट हो रहा होगा तब तक के बाकी तीन वेटिंग में होंगे, देन सेकेंड वाला क्या होगा वेटिंग से एक्टिव में आएगा, ठीक है, तब तक के फोर्थ वाला स्लिप में चले गया होगा क्योंकि उसे क्या है उसे तो अभी टाइम है, अभी फर्स्ट चल रहा है तो फोर्थ वाला स्लिप में होगा, सेकेंड वेटिंग में होगा, थर्ड भी वेटिंग में होगा, देन क्या होगा जब फर्स्ट वाले का हो गया एग्जीक्यूट, देन सेकेंड वाले का सेकेंड वाला किस एक्टिव स्टेटस में आएगा, है ना। तो ये जो वहां पे जो फाइल के स्टेटस रहते हैं ये यहाँ से इस चीज के लिए रिलेटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है एलोकेशन। आइनोड नंबर इज एलोकेटेड टू अ फाइल, ठीक है। आइनोड जो है फाइल में कैसे एलोकेट होता है वो चीजें हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, कर्नल आइडेंटिफाइज पर्टिकुलर आइनोड बाय देयर फाइल सिस्टम एंड आइनोड नंबर एंड एलोकेट्स इन कोर आइनोड्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ हायर लेवल एल्गोरिदम्स, ठीक है। आइनोड क्या रहता है यहाँ पे कि हायर लेवल एल्गोरिदम्स में हम कैसे उसमें वर्क करते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे शो होता है, ठीक है, कि आइनोड के नंबर्स क्या क्या है और वो कहाँ पे एलोकेट हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे आइनोड के थ्रू होता है। देन हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि आइनोड में जो भी ब्लॉक नम है, तो आइनोड में जो भी नंबर है उसका -1 हम करके चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइनोड्स पर ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ आइनोड्स है, प्लस क्या कर रहे हैं हम स्टार्ट ब्लॉक्स ऑफ आइनोड नेस्ट, ऐसे करके हम उसका ब्लॉक का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसका एल्गोरिदम है कि हम आइनोड का नंबर कैसे वर्क करें, ठीक है। फाइल सिस्टम आइनोड नंबर हम वर्क कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, और हम क्या आउटपुट कर रहे हैं कि जो भी हमारा आइनोड है हम उसे लॉक कर रहे हैं, तो ये उसका एक एल्गोरिदम है। देन अब हमने जब आइनोड को लॉक किया है तो हम उसे रिलीज ऑफ आइनोड भी होगा, ठीक है ना। आइनोड को लॉक करने के बाद जैसे कि हमें आइनोड को रिलीज करना है तो हम उसे कैसे रिलीज करेंगे, इस चीज के लिए क्या होता है कि व्हेन कर्नल रिलीजेस एन आइनोड इन डिक्रीमेंट इट्स इन कोर रेफरेंस काउंट इट इफ द काउंट ड्रॉप टू जीरो, ठीक है। काउंट जब जीरो में चले जाएगा, द कर्नल राइट्स द आइनोड डिस्क इफ द आइनोड कॉपी डिफर्स फ्रॉम द डिस्क कॉपी। कर्नल कब राइट करेगा, जब आइनोड की कॉपी और डिस्क की कॉपी दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। और यदि फाइल डेटा जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, फाइल का जो डेटा चेंज हो जाते हैं तो उस टाइम में एक्सेस परमिशंस भी चेंज होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फाइल का डेटा चेंज हो रहा है, तो फाइल का डेटा चेंज होने से क्या होता है कि
उसके परमिशंस भी चेंज हो जाएंगे। अब जिस टाइप की फाइल रहेगी उस टाइप की परमिशन रहेगा। यदि बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेशन वाला फाइल है तो उसकी परमिशंस भी सिर्फ ओनर के पास रहेगी, बाकी किसी के पास भी नहीं रहेगी। तो जैसे ही फाइल का एक्सेस टाइम चेंज होता है, वैसे ही उसके जो ओनर्स की जो परमिशन है उस फाइल को एक्सेस करने के परमिशन, वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है। द कर्नल प्लेसेस द आइनोड ऑन अ फ्री लिस्ट ऑफ आइनोड, इफेक्टिवली कैचिंग द आइनोड इन केस इट्स नीडेड एज सून। जैसे ही आइनोड वो फ्री करता है लिस्ट से, तो यदि आइनोड फिर से हमें चाहिए रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे हम कैच करते हैं। ठीक है। इन केस हमें यदि वहां पे और जल्दी हमें आइनोड चाहिए तो, और जो कर्नल रिलीज करता है डेटा ब्लॉक्स को, वो फाइल्स जैसे ही जीरो में लिंक होती है तो वो जो आइनोड्स रहते हैं उनको वो फ्री कर देता है। ठीक है। तो ये हमारा होता है रिलीजिंग ऑफ आइनोड। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो भी सुपर सुपर ब्लॉक है, और असाइनिंग न्यू आइनोड हम कैसे असाइन करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक है कि डिस्क आइनोड डिफर फ्रॉम इनकोर आइनोड। ठीक है। कि डिस्क आइनोड और इनकोर आइनोड कैसे डिफर करते हैं आपस में। तो डिस्क आइनोड जो है और इनकोर आइनोड जो है, दोनों यदि अलग अलग है। ठीक है। व्हेन अ फाइल इज ओपन द कर्नल कॉपीज द आइनोड इनटू मेमोरी। जब भी फाइल ओपन रहता है तो कर्नल जो है वो कॉपी कर लेता है आइनोड को मेमोरी में। ठीक है। अब जब फाइल चेंज हुआ तो आइनोड जो है वो अपडेट हो जाएगा इनकोर आइनोड। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है। ठीक है। एक फाइल है, हमने उसे किसी मेमोरी में डाला, डाल के सेव किया तो वो वहां पे सेव हो गया। ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए एक कोई डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट को हमने पेन ड्राइव में डाल दिया तो वो पेन ड्राइव में जो सेव हो गया। अब यदि हमने उसे लैपटॉप में मॉडिफाई कर दिया तो दोनों फाइल्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। यही चीज ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि डिस्क आइनोड और इनकोर आइनोड कैसे डिफर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इसी केस में डिफर होता है, जैसे कि आपके डिस्क में कहीं एक सेव है और आपने किसी सेम उस फाइल को अपडेट कर लिया अपने लैपटॉप में, तो दोनों जो फाइल्स हैं वो डिफर हो गई। तो यही यहाँ पे वो समझाना चाह रहा है। ठीक है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।